नहीं जी, कौन कहता है कि बलजिंदर कौर कमजोर कैंडिडेट है? उसने उसने दिग्गजों को हराया तलवंडी साबो में, और वो हमारी महिला विंग की प्रधान है पंजाब की, तो इसीलिए तो हमने उनको लगाया कि उनको वो उसके पास एक्सपीरियंस है, तीसरी इलेक्शन है उनकी ये, तो हम क्यों चाहेंगे बादलों को फ़ायदा पहुंचाना? जिनके साथ हमारा कोई समीकरण मिलता ही नहीं, कोई सोच या कोई ऐसा जिन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम उनको फायदा क्यों पहुंचाएंगे? वो अकाली दल की पक्की सीट मानी जा रही है बठिंडा, वहां पर बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसों का लेन देन करके। कौन से पैसों का लेन देन यार, कम ऑन प्लीज, ये इल्जामबाजी बंद करो, ये बेसलेस बातें हैं पैसों का लेन देन। हमारी कैसे बन सकती है बादलों के साथ? अभी हरसिमरत को भी नहीं पता कि मैं लुधियाना लड़ूंगी या फिरोजपुर लड़ूंगी या मैं बठिंडा लड़ूंगी, सब बेसलेस बातें हैं, ठीक है ना। हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमने दिया है, तो प्रोफेसर बलजिंदर कौर जो है तलवंडी साबो के विधायक हैं, और पूरी टीम के रूप में हम बठिंडा लड़ेंगे और जीत प्राप्त करेंगे। संगरूर की बात की जाए तो संगरूर में अब मुकाबला निम्नलिखित कोना होने के आसार बने हुए हैं, लेकिन जस्टिस जसराज को आप अपने मुकाबले नहीं गिन रहे, बिल्कुल मैं सभी को गिन रहा हूँ जी। अपने अपना प्रोग्राम दें, लोगों के पास जाएं, 19 मई को लोकतंत्र। जस्सी बोल रहे हैं कि आप हर पहले जब भी कोई डिबेट होती थी तो आप बोलते थे कि मैं हर एक को खुला चैलेंज करता हूँ, सभी बातों को चैलेंज करता हूँ, आप करते थे कि मेरे साथ पूरी डिबेट कीजिए, आप वर्तमान मेरे से डिबेट क्यों नहीं करते? सर वो किसी लाइन में नहीं है, किसी लाइन में नहीं। कल उनका बयान कोई आया, मुझे किसने भेजा है, लोगों को कह रहा है कि मेरे से जूते मत खा लेना, वो लोगों को जूते मारने की बातें कर रहा है, ऐसे आदमी के साथ बैठना।